इंडियन थाली जिसमें पालक पनीर, कड़ी पकौड़ा और बहुत सारी खाने की चीज़ें मौजूद हैं। और अगर ये थाली पाकिस्तान में मिलती तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है तो पाकिस्तान में थाली की कीमत क्या होती? श्री श्याम रसोईया इसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर इस टाइप का यहाँ का सीन है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि खाना केवल 1 रुपए में। और टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 बजे से 1 बजे तक टाइमिंग है। 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी। 1 रुपी। 1 रुपी बस कर दे। हाँ, 1 रुपी। यहाँ पर खाने की एकदम लाइन लग चुकी है और सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना ले रहे हैं। और ये जो जितने भी आपको प्लेट में आइटम नजर आ रहा है ना, सब कुछ आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हैं आई थिंक 700 200 सो मेरे गेस्ट है 150-200 इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज। यस, आपके मुताबिक 250-350 इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज के मुताबिक 400-300 की होगी, 500 मैक्स। तो इंडिया जाना चाहिए। बिल्कुल हिट हो जाते हैं फिर हम। अभी आप लोग 500 रुपए का एक सैंडविच खा के आए हो और ये इंडियन फूड की अनलिमिटेड थाली है। लाइक जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप इसमें रिफिल भी करवा सकते हैं। ये कड़ी आ गई, ये देखो कड़ी भी काफी ज्यादा गाढ़ी लग रही है। और ये देखो 1 रुपए में आप सभी को मटर पनीर भी मिल रहा है, क्या बात है। तो ये पनीर की सब्जी है, क्या बात है, पूरा ही पनीर इसमें डाला गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हलवा है, हलवा भी यहाँ पर दिया जा रहा है। वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत मजे का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं उसमें दिल करता खाने का। ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। यस आई एम। इट्स पॉसिबल। आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में अब टॉफी भी नहीं मिलती है। बिल्कुल। कितना डिलीशियस खाना है आप। बहुत ज्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज्यादा है यहाँ पे। तो इस तरह की एक थाली भी 1000 से 1000 भी तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ गई। गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है। इवन कि हमने देखा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जब भी रमज़ान आता है तो वहाँ की आवाम उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देती है, चीज़ें सस्ती कर देती है। इवन कि मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं कि 2 साल पहले रमज़ान में जो वहाँ पर समोसे पकौड़े का रेट था, 2 साल से वही चल रहा है। इवन कि बेसन का, खाने पीने की चीज़ों का। अगर हम फ्रूट की रेट की बात करें तो पाकिस्तान में केला रमज़ान में 300-350 रुपये दर्जन मिलता रहा है और इंडिया में 40 रुपए दर्जन। तो क्या कहेंगे आप इस पर? करेंसी, इट्स अ लो करेंसी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो मैं एक चीज़ समझता हूँ, इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी में अब एक डिफरेंस है एंड दिस इज क्वाइट विजिबल डिफरेंस। एंड सेकेंडली व्हेन आई टॉक अबाउट अफोर्डेबिलिटी, तो अभी भी पाकिस्तान में चीज़ें इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। दैट्स अनदर इशू के वेजेज आर नॉट वेरी मच यू नो एज पर द एक्सपेंसेस। तो हमें इस हवाले से जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेजेस के ऊपर जो है थोड़ा सा हमें हेड ऑन करना चाहिए और इस चीज़ को उस हवाले से देखना चाहिए कि एग्जैक्टली इस दुनियावी तौर पे हर तरफ जो है महंगाई बढ़ी है, ठीक है। तो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, लेकिन इशू हमारा ये अलमिया ये है कि यहाँ पे हम वेजेस जो हैं उसके ऊपर। तो आप देखें कि महंगाई की वजह से आवाम को कितना सफ़र करना पड़ा है इस रमज़ान में। देखें, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है कि लोग जो हैं वो भूख की वजह से, रोटी की वजह से अपनी फैमिली के साथ खुदकुशियाँ करते रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कोविड के दिनों में एक प्लान लॉन्च किया गया था कि एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो पर पर्सन को 5 किलो अनाज दिया जाएगा, मतलब दालें दी जाएंगी। लाइक अगर एक घर में 5 बंदे रहते हैं तो 25 किलो अनाज एक घर को फ्री मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में हमें इस तरह की कोई पॉलिसी, कोई स्कीम नज़र नहीं आती। तो फिर बहुत अच्छी बात है अगर जो इंडिया में मिल रही है, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिले। आपको पता है इसकी कीमत क्या है? क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। वाओ। और मज़े की बात यह है कि ये थाली रिफिलेबल है, आप खाने के बाद इसको तब तक रिफिल करवा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। बहुत अच्छी बात है फिर तो ये। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी आपने 1000 रुपये में 2 शवारमा, कोल्ड ड्रिंक पी और साथ में टिप भी दिया और इंडिया में पेट भर के आपको इंडियन फूड मिल रहा है, इंडियन थाली मिल रही है, वो भी सिर्फ 1 रुपये में। वो लोग कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं ये? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह करे ऐसा हो। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसा ही होंगे, हम रमज़ान में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में जैसे ही रमज़ान आता है चीज़ों की कीमतें जो है दुगनी तिगनी हो जाती हैं। ईद आने वाली है, आप मार्केट्स में रश देख रही हैं,
केक, चीज़ों की कीमतें कितनी हद से ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम बात करें इंडिया की, तो वहाँ पर सिर्फ फूड सस्ता नहीं है बल्कि रमज़ान में वहाँ पर मुसलमानों के लिए चीज़ें भी सस्ती कर दी जाती हैं, खुर्दोनोश की भी, शॉपिंग की भी, तमाम चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इधर तो होनी चाहिए बिल्कुल कम, क्योंकि हम मुसलमान कंट्री है और मुसलमान में हिसाब से तो कम होने चाहिए। लेकिन अब अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि यहाँ भी पाकिस्तान में भी इसी तरह की महंगाई कम हो जाए इंशाल्लाह इंडिया की तरह। अच्छा, आपने जब ये थाली देखी, दिल किया आप ट्राई करने को, मुँह में पानी आया? हाँ जी बिल्कुल दिल किया, इंशाल्लाह करेंगे ट्राई। कैसे मिलेगी तो करेंगे ना। वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे ट्राई करेंगे, इंडिया जाएंगे तभी ट्राई होगी। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ कि आपको स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? स्कूल में हमें इंडिया के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में। अच्छा क्या बताया जाता है कि दुश्मन है, दोस्त है, क्या है इंडिया? दुश्मन और दोस्त का तो नहीं बताया जाता, बस यही बताया जाता है कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमें इसके साथ, मतलब जो भी हमारे इसके साथ ताल्लुकात है वो ख़राब है, लेकिन आने वाले दिनों में वो सही हो सकते हैं। पहली बार मैंने किसी स्टूडेंट के मुंह से, किसी बच्चे के मुंह से इंडिया के बारे में पॉजिटिव सुना है, वरना हमारे स्कूलों में तो यही बढ़ाया जाता है कि हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। बड़ा अच्छा लगा ये जान कर कि आप इंडिया के बारे में पॉजिटिव सोचती हो। अच्छा लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाना चाहोगी? जी बिल्कुल जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे अगर जो मौका मिला तो। क्या वजह? बस हमारा हमसाए मुल्क है, इस वजह से हमें जाना चाहिए। इंडिया जाकर क्या ट्राई करना चाहेंगी, कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगी? इंडिया जाकर ये पंजाब घूमना चाहूँगी और यही जो आपने थाली दिखाई है वो तो ज़रूर खाऊंगी। बिल्कुल, और सिर्फ 1 रुपए में? जी बिल्कुल, अगर इंडियन में मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 रुपए में अब टॉफ़ी भी नहीं मिलती है। बिल्कुल, कितना डिलीशियस खाना है आप? बहुत ज़्यादा, मतलब वेराइटी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस तरह की एक थाली भी 1000 से 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेज जितनी इसमें आ गई। इसमें आ गई, वो 1 रुपए में कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये वही बता सकते हैं, या तो ये खाना सारा वो गरीबों के लिए बना रहे हैं कि अगर वो मांगेंगे तो हो सकता है। एक पर्सन खुद, जैसे मैं और आप मिलके खाना लगा देते हैं और फिर इस तरह एक एक करके एक रुपया डोनेट कर रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, ये तो फिर उनकी, यहाँ तो जिस तरह यहाँ पे फाउंडेशन बने हुए हैं कितने लोगों की हेल्प करने के लिए, ये भी कोई फाउंडेशन, कोई अच्छा इंसान होगा जो हेल्प, अच्छा इंसान होगा। अगर हम महंगाई की बात करें तो ओवरऑल फूड की बात करें या कपड़े की बात करें तो इंडिया में प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, यहाँ की नस्बत तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसी फिर उनकी यहाँ की नस्बत, उनकी यहाँ की जो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे तो हमारा कोई हाल ही नहीं है। यहाँ पे तो रमज़ान आता है बजाय कीमतें कम होने के ये लोग बढ़ा देते हैं हर चीज़ की, और ईद पे तो उन्होंने सफ़ा ऐसी लुट मचाई हुई है कि बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। कह रहे ईद आई क्यों, आई क्यों है, बाकी क्यों आई है, मतलब इस तरह के मौके पे तो दूसरी कंट्रीज़ में प्राइसेस कम होती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो बढ़ती हैं सिर्फ। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे रमज़ान जब आता है तो हर चीज़ की प्राइस जो है कम हो जाती है, शॉपिंग मार्केट्स में देखिए डिस्काउंट लग जाता है ताकि ईद का त्यौहार है, मुसलमान ज़्यादा खुश हों, खुशियाँ मनाएं। पाकिस्तान तो मुल्क ही मुसलमानों का है, तो यहाँ पर क्या क्या हालात चल रहे हैं? यहाँ बिल्कुल अच्छे हालात नहीं है यहाँ पर, बल्कि अगर डिस्काउंट देने की बजाय बढ़ जाता है, प्राइजेज वही रहती हैं, कहने को इनके डिस्काउंट 70% लगे हुए, प्राइसेस इनकी वही रहती हैं, फिर भी क्या फ़ायदा है ऐसे डिस्काउंट मुसलमान होने का ही, अगर आप लोगों ने बाहर की कंट्री से कुछ नहीं सीखना। अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या डिसीजन होगा? मैं जाना पसंद करूंगी। अच्छा क्या विजिट करेंगी, क्या खाए पिए? अच्छा मुझे वहाँ पे वो इनका पाव भाजू टाइप कुछ है, वो है, वो मुझे एक है, एक उनका वो राजमा चावल है वो बहुत ज़्यादा, वो या मकई की रोटी वगैरह साग। अच्छा, इंडियन फूड ब्लॉग्स देखती हैं? हाँ मैं देखती हूँ, लेकिन इतने शौक से, लेकिन मैं देखती हूँ ऐसी रील्स वगैरह में तो इंडियन फूड वगैरह, उनकी पानी पूरी ज़बरदस्त। अच्छा और कौन से स्टेट विजिट करेंगी? मैं मुंबई और इसके अलावा इनका जो जयपुर वगैरह है। जयपुर, अच्छा हिस्टोरिकल जगह हैं। अच्छा जो इस वक्त आपको इंडिया से देख रही है क्या कहेंगे? ऐसे करते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें और ताकि हाँ और लोगों की इस तरह मदद करते रहें ताकि शायद पाकिस्तानियों को भी थोड़ी शर्म आ जाए। दोस्तों दिल्ली में एक रसोई ऐसी भी है जहाँ जरूरतमंदों को महज 1 रुपये में पूरी थाली मिलती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के प्रवीण कुमार गोयल नांगलोई इलाके में शिव मंदिर के पास शाम रसोई चलाते हैं। इस रसोई की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी शख्स सिर्फ 1 रुपये में पेट भर के खाना खा सकता है, और दोस्तों वो 1 रुपया भी इसीलिए लेते हैं ताकि लोग खाने को मुफ्त समझकर बर्बाद ना करें। सोशल मीडिया पर प्रवीण के इस नेक काम की खूब तारीफ हो रही है। इस पूरी थाली में दोस्तों 2 प्रकार की सब्जी, चावल, दाल, सलाद और एक स्वीट भी होता है।
दोस्तों प्रवीण कुमार हर दिन 1000 लोगों को 1 रुपये में अनलिमिटेड खाना खिलाते हैं। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों ने इसका वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि इस प्रकार की थाली पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर 500 से लेकर 600 रुपये के बीच में आएगी। उन लोगों ने कहा कि भारत के लोग अपने वहाँ के मजदूर और गरीब लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इसी प्रकार का सेवा कार्य क्रिकेटर गौतम गंभीर भी दिल्ली के कई जगह पर करते हैं। वहां पर भी सिर्फ 1 रुपये में भर पेट खाना वो हजारों लोगों को खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।